सो गाइज, मैंने इंडियन आर्मी की न्यूज आपके साथ शेयर की थी, तो वन रैंक वन पेंशन के रिलेटेड भी कुछ अपडेट चल रहा है अभी न्यूज में, और काफी सारे इंडियन आर्मी के जवान हैं, जो सिपाही हैं, जो लो रैंक के लोग मतलब हमारे सैनिक हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है जंतर मंतर में दिल्ली में। क्यों प्रोटेस्ट किया है मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। वन रैंक वन पेंशन यानी कि ये तो काफी टाइम से चल रहा है, जो कि काफी टाइम से इग्नोर किया जा रहा था, बट जब से मोदी जी गवर्नमेंट में आए थे 2015 में इसके ऊपर एक्शन लिया गया था, 2015 या 14 की बात है जब इस पे एक्शन लिया गया था। और इस समय क्या हुआ है, दिसंबर 2022 में इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एग्री किया कि ठीक है हम कुछ इस पे अपडेट लेके आते हैं, और फिर अपडेट आया भी 20 जनवरी को 2023 में अपडेट आया, और कुछ कमीशन मतलब जो भी वन रैंक वन पेंशन के थ्रू पेंशन दी जानी थी, जितना भी इंक्रीमेंट होना था तो वो 4 किश्तों में दिया जाना था, इसके बारे में बात हुई थी। बट अब क्या हुआ, क्यों सिपाही इस पे अभी भी जंतर मंतर में बैठ करके अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में सबके पास अपडेट नहीं है, तो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सो गाइस, ऐसा हुआ ना, जो इंक्रीमेंट लगना था वो सारा इंक्रीमेंट हाई डेजिग्नेशंस में चला गया। इंडियन आर्मी में भी अलग अलग रैंक्स होते हैं गाइस, जो लो रैंक होते हैं उसमें सूबेदार मेजर तक जाते हैं, सिपाही भर्ती होते हैं, सिपाही से ऊपर कई रैंक्स होते हैं जो स्लैब्स में डिवाइडेड होते हैं, और जो ऑफिसर रैंक्स होते हैं वो लेफ्टिनेंट से शुरू होते हैं और काफी सीनियर रैंक जनरल तक जाते हैं। तो गाइज, अभी भेदभाव क्या हुआ, भेदभाव ये हुआ जो भी इंक्रीमेंट लगा वो सारे हाई डेजिग्नेशन में लग गया, और कोई वॉर क्राइम मतलब जो भी वॉर विडो होते थे, अभी डिफरेंस देखेंगे आप तो सैलरी में बहुत डिफरेंस है, सैलरी क्या पेंशन में बहुत डिफरेंस है। अगर जो वॉर विडो है वो किसी कर्नल की वाइफ है अगर, तो उनको 74,000-84,000 इतनी पेंशन उनको मिलेगी, बट अगर कोई वॉर विडो है, कोई सिपाही की वॉर विडो है, तो उसको 4,000-5,000 तक का, इतना मतलब डिफरेंस बहुत है इस पैसे में। तो इसी वजह से हमारे जो सिपाही जन है वो अपने अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो ये न्यूज गाइज फैलनी चाहिए, बिकॉज अगर कोई भी इंसान आर्मी ज्वाइन कर रहा है उसमें चाहे कोई ऑफिसर हो चाहे कोई लो रैंक ऑफ मतलब हमारे सिपाही ही हो, उनकी वॉर विडोज के साथ ये भेदभाव नहीं होना चाहिए गाइस, क्योंकि अगर लाइफ चली गई है और आगे फैमिली को, मैंने आपको कल भी राजस्थान वाली न्यूज बताई थी, तो इस चीज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सिपाही की डिमांड बिल्कुल सही है, मोदी जी को इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर इतना डिफरेंस हमारी इसमें वन रैंक वन पेंशन में आया है तो डेफिनेटली ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक एक स्लैब को हाई बेनिफिट दे दो और एक स्लैब बिल्कुल ही लो उसमें रह गया, और स्लैब की तो यहां बात ही नहीं होती। अगर मैं आपसे डेटा के बारे में बात करूं तो हमारी जो इंडियन आर्मी है उसमें 97% जो है वो सिपाही है, मतलब वो सीनियर रैंक्स नहीं है, और जो 3% है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर जो रैंक है वो 3% है टोटल डेटा में, अगर हम स्टडी करते हैं ऑफिसर इस इंडियन आर्मी को। तो इतना सैलरी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, चलो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, उनके ऊपर काम ज्यादा है, उस चीज के लिए आप उनको जो स्लैब रखना चाहते हैं वो रखिए, बट इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होना चाहिए कि आप पेंशन भी इंक्रीज कर रहे हैं वन रैंक वन पेंशन में और इतना ज्यादा भेदभाव इसमें आ रहा है। तो इस पे डेफिनेटली डिसीजन लिया जाएगा, और पुराना जो डिसीजन था माइट भी उसको खारिज किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इस वजह से सिपाही नाराज है, बिकॉज पहले जो इन्होंने वन रैंक वन पेंशन के लिए जो बात उठाई थी उसमें ऑफिसर्स भी मिलकर के साथ में इनकी आवाज उठाने सामने आए थे, बट जब अब सिपाही लो रैंक वाले आवाज उठा रहे हैं तो कोई भी ऑफिसर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो वो थोड़े नाराज हैं, क्योंकि अगर 97% जनता आर्मी की ये कह रही है कि तुमने गलत किया, और जो 3% ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, जो लीडर्स हैं उनके, तो उनका सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो काफी ज्यादा नाराज हैं। और एक और अपडेट ये आई थी कि जो हमारे अवार्ड्स होते हैं, जो भी गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, जो भी अवार्ड्स मिलते हैं जो आर्मी पर्सनल्स के लिए होते हैं, वो 99% सिर्फ ऑफिसर्स को दिया जाते हैं, और कुछ बहुत रेयर होता है कि जो लो रैंक्स तक अवार्ड पहुंचते हैं। तो ये एक तरह से गलत है, इस चीज के लिए मोटिवेशन हमेशा मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। अगर कोई अच्छा करता है इंडियन आर्मी में भी, अगर रैंक्स में अपर रैंक वाले अच्छा करते हैं उनको तो मिले ही मिले, पर जो लो रैंक है ऐसा नहीं कि उनका काम कम है गाइस, शरीर सबका उतना ही है। अगर किसी का पांव कटा है वो चाहे सिपाही हो चाहे ऑफिसर हो, दर्द सबको बराबर होगा और चैलेंजेस दोनों को इक्वल देखने को मिलेंगे लाइफ में जब वो आर्मी से रिटायर होके आते हैं। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए शरीर में, ऐसा नहीं है कि ऑफिसर के शरीर को ज्यादा मतलब क्षमता है और उनकी क्षमता कम है, तो इस चीज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्पेशली जो वॉर में जाकर के अपने शरीर को उन्होंने अपाहिज बना लिया है कि एक अंग उनका अब नहीं चल पाएगा, तो इस चीज में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को कि अवार्ड्स में भी ये चीज ना हो, और जब पेंशन देने की बारी आए तो जो वर्क कैजुअलिटीज है इस चीज के ऊपर भी भेदभाव ना हो। ये डिमांड्स बिल्कुल जेन्युइन है जो अभी हमारे सिपाहियों ने रेज करी है जंतर मंतर में, तो इस पर डेफिनेटली मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए।
और गाइज एक और अपडेट थी कुछ डीमैट अकाउंट के रिलेटेड, इसमें तो आपको रिसर्च करना, जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लोग वो रिसर्च कर सकते हैं कि डीमैट अकाउंट्स का माइट भी 1 अप्रैल के बाद शायद हो सकता है कि वो बंद कर दे अकाउंट्स, अगर आपके अकाउंट में आपका नॉमिनी अटैच नहीं है तो आप नॉमिनीज को प्लीज अटैच करें, क्योंकि ये बहुत दिक्कत होती है बाद में नॉमिनीज का पता नहीं चलता है कि अगर किसी ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो शेयर्स का पैसा किसको मिलेगा। और इससे रिलेटेड एक और न्यूज अभी आई है जो सेबी के थ्रू आई है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में मैं आपको अपडेट देती हूँ। सो गाइस सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है जो अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत आगे है, इनफैक्ट यूट्यूब के थ्रू ही मैं आपसे जुड़ पा रही हूँ। तो यूट्यूब के थ्रू ही हमारे अर्शद मार्शी जी हैं, इनका एक बहुत बड़ा न्यूज आया है जिसमें सेबी ने इनके स्टॉक्स को ही बैन कर दिया है। क्यों हुआ है, क्या हुआ है, मैं आगे आपको बताती हूँ, वीडियो को पूरा सुने। सो शेयर मार्केट कैसे काम करती है मैं आपको बताती हूँ। शेयर मार्केट में प्रेडिक्शन का काम होता है सारा का सारा, डेटा एनालिसिस होती है कि अगर आज इसका शेयर किसी ने खरीद लिया तो कल को क्या इसके शेयर की वैल्यू है। तो इसी तरीके से प्रेडिक्शन मार्केट में ये अर्शद मार्शी जी ने इनकी प्रेडिक्शन का जो था रिजल्ट वो क्या था, साधना ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड एक टीवी फर्म है, इसने क्या बोला, इसने बोला कि इस फर्म को अडानी खरीदने वाला है। तो अब अगर ये न्यूज इन्होंने मार्केट में फैला दी कि अडानी इसको खरीदने वाला है तो कहां इसका शेयर था 4.5 रुपए का, और जैसे ही ये न्यूज इसने वायरल करवा दी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों तक बताया, इसके शेयर की वैल्यू होगी 33 रुपीज। तो अगर कोई चेक करेगा ना इसका शेयर वैल्यू तो वो इतना डिफरेंस आ गया। और सेबी को जब ये पता चला, सेबी ने एक्शन लिया इसके ऊपर। जो अर्शद मार्शी है ये एक बॉलीवुड स्टार थे और इन्होंने मनीष मिश्रा का नाम अभी बहुत छाया हुआ है, मनीष मिश्रा जो था वो एडवाइजर था, उसने एडवाइस किया कि तू इसके शेयर पे इन्वेस्ट कर। और इस पॉलिसी को कहते हैं पंप एंड डंप, मतलब कि इसका 3 महीने में शेयर का वैल्यू बढ़ा दूंगा और उस समय तू अपने शेयर बेच दे। पहले शेयर सस्ते थे तब तुम खरीद लो, मतलब 3 रुपए का खरीदो, बाद में 30 रुपए का उसको बेच दो। तो लाखों में बेनिफिट हो गया, लखपति बन गए एकदम से ये, क्योंकि इस तरीके से लोगों में घोटाला कर दिया, लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा करके। इसी वजह से YouTube पे बैंड है बिल्कुल शेयर मार्केट की प्रेडिक्शन शेयर करना, अगर कोई करता है और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो सुन करके तो आप मत करें, बिकॉज इसमें नुकसान हो सकता है। लोग अपने मन से गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पहले तो फेमस हो जाते हैं फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लोगों तक कन्वे करते हैं न्यूज के थ्रू कि ऐसा ऐसा होने वाला है, अडानी यहां इन्वेस्ट कर देगा तो यहां इन्वेस्ट करो आप, आपको इसमें बेनिफिट होगा। तो ये न्यूज गलत है, इससे थोड़ा बच करके रहें। अगर कोई करता है ऐसा तो YouTube भी उसको बैन करेगा, साथ साथ सेबी के थ्रू भी वो बैन हो जाएंगे, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन गलत लोगों तक कन्वे कर रहे हैं। तो इस तरह के कम से कम 31 इंडिविजुअल्स ऐसे जिसको बैन किया है सेबी ने, जिसके शेयर्स को बैन कर दिया है, अगर जो भी शेयर उन्होंने खरीदे हुए हैं स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके थ्रू तो वो बंद कर दिया। और जितना भी पैसा इन्होंने कमाया था इस साधना, और ऐसे कई सारे फर्म्स थे जहां इन्होंने ऐसी प्रेडिक्शंस रॉन्ग इन्फॉर्म करी लोगों तक और उसके बाद जब 3 महीने में शेयर की वैल्यू बढ़ गई तो उसको बेच दिया। तो ये सेबी ने चेक किया। और एस्क्रो खाता वो होता है जहां पे कोई ना पैसा निकाल सकता है उसके बाद ना कोई कर पाएगा कुछ उसका, तो उस खाते में सारे पैसे ट्रांसफर करवा दिए सेबी ने, जहां से अगर जब डिसीजन निकल जाएगा कोर्ट से कोई फाइनल डिसीजन आ जाएगा उसके बाद ही जिसका पैसा होगा उसको वापस दिया जाएगा, बट अभी उसको एस्क्रो खाते में उस पैसे को डाल दिया गया है। तो गाइस डिजिटल लिटरेसी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, लोग डिजिटली इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं और अगर वो गलत